यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। देश का दिल कही जाने वाली राजधानी दिल्ली में इन दिनों धरना कंपटीशन चल रहा है। विपक्ष सरकार पर काम न करने का आरोप लगा रहा है और सरकार एलजी और केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ रही है। और इन सबके बीच अधिकारियों का भी आरोप है कि उन्हें सियासी मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों धरनों का मौसम चल रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने कुछ साथी मंत्रियों के साथ उपराज्यपाल के घर धरने पर बैठे हैं, तो वहीं दिल्ली बीजेपी के नेता सीएम साहब के यहाँ धरना दे रहे हैं। धरनों के इस दौर में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने इस हड़ताल पे ही सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने इस मामले पर बैठक बुलाई और आईएएस अधिकारियों को लेकर उनके सुर में कुछ नरमी दिखी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने एक अच्छा कदम बढ़ाया है। आईएएस अधिकारियों के लिए उन्होंने पत्र लिखकर ये कहा है कि वो उनके परिवार के सदस्य हैं। सभी आईएएस अधिकारियों को अपने परिवार का सदस्य माना है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि उनके रहते हुए उनको अपनी सुरक्षा की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी अपनी शक्ति और क्षमता के अनुसार हर प्रकार की सुरक्षा आईएएस अधिकारियों को प्रदान करेंगे, उसमें किसी भी प्रकार की कोई कोताही उनकी ओर से नहीं बरती जाएगी। दिल्ली में धरना पॉलिटिक्स पर आम आदमी पार्टी को शिवसेना ने समर्थन दिया है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में लोकतंत्र को खतरे में बता रही है। चार राज्यों के मुख्यमंत्री और कई राजनीतिक दलों ने भी समर्थन दिया है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने आगे बढ़कर अधिकारियों से एक कदम आगे बढ़ाने का निवेदन किया है, लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस पर निशाना भी साधा है। दिल्ली की 2.25 करोड़ जनता के हित में और जितने भी काम अब तक बाधित हुए हैं उन सब को देखते हुए एक अच्छी पहल, एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छा कदम दिल्ली के मुख्यमंत्री के द्वारा उठाया गया है। अब जिम्मेदारी केंद्र सरकार की, एलजी की और आईएएस एसोसिएशन की बनती है कि वो भी 2 कदम आगे बढ़े। दिल्ली की जनता के हित में जो भी काम बाधित हैं, सीसीटीवी के हों, राशन के हों, डेंगू को लेकर हो या एयर पोल्यूशन को लेकर हो, स्कूलों को लेकर हो या मिड डे मील को लेकर हो, जितने भी काम हमारे बाधित हैं उसको देखते हुए वो अपनी हड़ताल को खत्म कर। धरनों और सियासत के बीच दिल्ली हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, हम समझ नहीं पा रहे कि ये धरना है या हड़ताल और क्या इसकी कोई इजाजत ली गई या खुद ही फैसला कर लिया गया। कोर्ट ने पूछा कि अगर यह खुद व्यक्तिगत रूप से तय किया गया फैसला है तो ये एलजी के घर के बाहर होना चाहिए था। क्या एलजी के घर के अंदर ये धरना करने के लिए इजाजत ली गई? कोर्ट ने ये भी कहा कि आप कैसे किसी के घर या दफ्तर में जाकर हड़ताल पर बैठ सकते हैं। वहीं सुनवाई के दौरान गृह मंत्रालय ने कोर्ट को बताया कि आईएएस ऑफिसर्स हड़ताल पर नहीं है। अब मामले में शुक्रवार को सुनवाई होगी। बार बार एक शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है कि ये लोग स्ट्राइक पे हैं, और उनमें भी ये नहीं कहा जा रहा है कि कौन लोग स्ट्राइक पे हैं। शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है आईएएस अफसर स्ट्राइक पे हैं। अब आईएएस अफसर क्यों स्ट्राइक पे हैं, आपको उसकी बैकग्राउंड में तो जाना ही पड़ेगा। आप दिल्ली के मुख्य सेक्रेटरी को आधी रात को घर पर बुला के अगर पीट देंगे और उसकी अगर सपोर्ट में, सिंपथी में उसके साथी जो उसके ही आईएएस बिरादरी के हैं, अगर वो ये तय कर लेते हैं कि आज से बाद हम किसी मंत्री के पास में नहीं जाएंगे, जो बात करनी है लिख के करो, तो इसको आप स्ट्राइक कैसे कह सकते हैं? जबकि वो रोज़ दफ्तर जा रहे हैं, रोज़ फाइलें साइन कर रहे हैं, रोज़ इंस्पेक्शन कर रहे हैं, रोज़ विभागीय मीटिंगें कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों धरने पर हैं। स्वास्थ्य मंत्री खुद स्वास्थ्य लाभ करने के लिए हॉस्पिटल में है, जनता पानी और बिजली के लिए परेशान है। पिछले दिनों पूरी दिल्ली प्रदूषण के चादर में लिपटी रही और आगे मानसून दस्तक देने वाला है, जिसके साथ ही डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया का खतरा भी देश की राजधानी पर मंडरा रहा है।
अब ऐसे में सिस्टम कौन ठीक करेगा जब साहब और साहब के मातहतों के बीच ही बात नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।